बिहार में बुधवार को 71 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले चुनाव प्रचार में नेता व्यक्तिगत हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महनार की सभा बिहार में प्रजनन दर कम करने के अपने प्रयासों की बात कही। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा। किसी को चिंता है? लोग 8-9 बच्चा पैदा करता है, बेटियों पर भरोसा ही नहीं था। कई बेटियां हो गई तब बाद में बेटा हुआ। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने उनके परिवार पर बयान देकर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोदी के 6 भाई बहन हैं। नीतीश ने न केवल महिलाओं का अपमान किया बल्कि उनकी मां की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वे मुख्य मुद्दों महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को छोड़कर बाकी सब पर बात कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि आजकल लोग बहाली उहाली की बात करता है, यह पहले क्यों नहीं किया? जिनको काम का अनुभव नहीं है वे कुछ भी बोल सकते हैं। हम लगातार काम करते रहे हैं, कभी हम कहीं छुट्टी पर गए क्या? हम लोग सबको कहते हैं कि सेवा कीजिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मेवा खाने की बात करते हैं। चुनाव के समय लोगों की तरह तरह की बातें करने की आदत होती है। हमने तो हर तबके का विकास किया। हमारी विकास योजनाओं में हर धर्म मजहब के लोग शामिल हैं। आज महिला और पुरुष सब काम में लगे हैं, बिहार के विकास में हाथ बटा रहे हैं। साइकिल योजना से लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा। बिहार में बुधवार को 71 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महनार में सभा की। यहां प्रजनन दर के बारे में लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। नीतीश ने लालू का नाम लिए बिना कहा, किसी को चिंता है? लोग 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, बेटियों पर भरोसा ही नहीं था, कई बेटियां हो गई तब बाद में बेटा हुआ। किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश के हमले पर मंगलवार को तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने मेरे परिवार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी भी 6 भाई बहन हैं। नीतीश मुख्य मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को छोड़कर बाकी सब पर बात कर रहे हैं। हमारे बहाने जो हैं, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीजें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.